नमस्कार। इस वीडियो में आपको बहुत सारी खबरें बताने वाला हूं, तो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, यहां पर सबसे पहली खबर निकल के ये आ रही है कि जो सैनिक हैं उन्होंने 2024 के चुनाव में मोदी जी को जवाब देने का प्लान बना लिया है। तो पहली खबर ये है हमारी। और दूसरी खबर है कि पुरानी पेंशन जो स्कीम है वो बहाल होगी, वित्त मंत्री जी ने ऐसा कहा है। तो ये खबर एक बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ है, इसीलिए इस वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पर अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो भूतपूर्व सैनिकों, जागो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। यहाँ पर इसने 3 अप्रैल 2023 को DM और DC ऑफिस पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का ये इश्तिहार निकाल के रखा है। तो इसका समर्थन करें और आप लोग इनका साथ दें ज़रूर। इसके बाद में यहाँ पर गुड न्यूज़, भूतपूर्व सैनिकों का हुआ इंतजार ख़त्म। आपको बताया MSP और एरियर पर ये गुड न्यूज़ आई है। बैंक और स्पर्श दोनों ही टीमें यहाँ पर जगह जगह पर मेला लगा रही हैं, और वो जो पेंशनर जो परेशान हो रहे हैं, जिनके उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसका यहाँ पर सॉल्यूशन किया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट खबर है वो है कि जंतर मंतर पर अभी धरना जारी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और यहाँ पर प्री मैच्योर जो थे जवान, वो अब यहाँ पर प्री मैच्योर आर्मी से बंद हो गया, अब आप प्री मैच्योर नहीं आ सकते। ORGC ये उठाएंगे मोड के जो लेटर आया है ORP का, उसमें फ़ायदा उठाएंगे OR और JCO हैं जो ECH और GCS से लिंक करने की तैयारी का काम शुरू हो गया है। और इक्वल MSP पर यहाँ पर ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर जारी हो गया है। इसके बाद ORP आंदोलन ने पकड़ी रफ्तार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी न्यूज़ आपके लिए हैं, और इससे कहीं ना कहीं भूतपूर्वों का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर ORP का झंझट ख़त्म। मैंने आपको पहले बताया, रक्षा मंत्री जी ने आदेश दिया है PCDA को कि इसका जो बैंक और स्पर्श, ये दोनों ही यहाँ पर इस झंझट को ख़त्म करेंगी और सैनिकों की सेवा करेंगी, और जितना भी खर्चा होगा उसको सरकार वहन करेगी। आपको पता है यहाँ पर 4% जो DA वो हाइक हो गया है, तो इससे भी सैनिकों का कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पर एक खबर है कि आप लोग यहाँ पर जो गारंटी अवार्ड हैं उनको यहाँ पर राजस्थान सरकार फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्लॉट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, एकदम फ्री मिल रहा है प्लॉट, जो कि यहाँ पर पहले 50% पेमेंट देने पर मिलते थे। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेजर साहब का एक ट्वीट ORP के संदर्भ में निकल के आ गया है, और यहाँ पर मोदी जी ने अपनी जो काम किए हैं उसकी लिस्ट को जारी कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं आप भी जानते हैं। राम मंदिर का निर्माण करा दिया, अनुच्छेद 370 जो थी वो 70 सालों से थी उसको हटा दिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का लगा दिया, इसमें CCA बिल जारी किया, वन रैंक वन पेंशन को इन्होंने लागू कर दिया, 3 तलाक को ख़त्म कर दिया, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी। तो ये बहुत से काम हैं इनके। आपको जमुना छठ की आज बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और आज माँ कात्यायनी का छठवां दिन है व्रत का, आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसके बाद में यहाँ पर जो भी व्यक्ति, जो भी फौजी भाई रिटायर होके आते हैं और एक एज के बाद, उम्र के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके परिवारजनों को लाभ नहीं मिल पाता है, बहुत दिनों में उनको पेंशन जारी होती है। तो यहाँ पर आप केंद्रीय बोर्ड में जाके, जिला सैनिक बोर्ड में जाके आप लोग ये डॉक्यूमेंट अपने ले जाएं, और वहाँ पर आप लोग इनको जमा कराएं, तो आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्लेम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, भूतपूर्व सैनिकों की यहाँ पर रैली है। रैली किस बात की है कि आप लोगों के जो 2 अप्रैल की रैली है ये, और ये करप्पा ग्राउंड में है, इसमें आपको क्या करना है कि जिनके भी यहाँ
स्पोर्ट्स में या पेंशन में जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वहाँ जाएंगे और अपनी समस्या रखेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप जो भी जिसकी समस्या आ रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या कैसे भी, तो आप उसको वहाँ से जाके सॉल्व करा सकते हो। 2 अप्रैल को ये है। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, 2 अप्रैल 2023 करप्पा ग्राउंड राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ में है ये। आप जाके अपनी समस्याओं का निपटारण कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग ksb.gov.in पे जाके जो स्कॉलरशिप के लिए सैनिक बोर्ड से जो सहायता मिलती है, आप उसको यहाँ से फॉर्म भर के रिसीव कर सकते हो जिला सैनिक बोर्ड से। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर अब भी ORoP फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है और लगातार वो उनकी बैंकों में रिसीव हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, ये 4 मार्च को ओपन हुआ है, UHQ कोटा में यहाँ पर रिलेशनशिप की भर्ती निकली हुई है अप्रैल में, तो आप इसमें भी भाग ले सकते हैं। KSP स्कॉलरशिप का आप लोग फॉर्म भरिए और केंद्रीय सैनिक बोर्ड से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट खबर है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लिंक करवाइए। अगर आपने उस पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो अभी यहाँ पर इसके लिंक कराने के 1000 रुपये चल रहे हैं और आने वाले समय में इसके 10000 रुपये हो जाएंगे अगर लिंक नहीं कराया तो। तो जल्दी ही पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर दीजिए। और इसको लिंक कराने के लिए आप घर से ही कर सकते हैं, इनकम टैक्स साइट पर जाएंगे और वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसको लिंक नहीं करवाया तो आप TDS नहीं भर सकते, आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, कोई भी पैसे संबंधित काम नहीं कर सकते, 50000 से ऊपर बैंक में पैसा नहीं डाल सकते और नहीं आप 50000 से ऊपर पैसा निकाल सकते। तो ये यहाँ पर हर महीने आपको 50000 की लिमिट हो जाएगी। तो अवश्य इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएं। और तो फ्रेंड, जो आपका नुकसान होने वाला है उससे आप बच सकते हैं इस तरीके से। वीडियो कैसी लगी जरूर होता है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।